अगर आप चाहते हैं आपकी ईमेल को वही पर्सन रीड करे जिस पर्सन को आप ईमेल कर रहे हैं, तो पहले उस पर्सन का मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ईमेल को सिक्योर वे में हम कैसे सेंड कर सकते हैं। जीमेल में जैसे ही ईमेल सेंड करने के लिए कंपोज पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने सेंड ईमेल की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे डिटेल भर के सेंड करने से पहले ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन कॉन्फिडेंशियल मोड पे क्लिक करेंगे। नीचे हम सेट एक्सपायरी में ईमेल की एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ईमेल कितने दिन बाद ऑटो डिलीट हो जाएगी। इसके नीचे रिक्वायर पासकोड में स्टैंडर्ड की जगह एसएमएस पासकोड सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने छोटी सी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें ऐड मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ उस पर्सन का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड डन कर देंगे। अब सेंड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पर्सन ईमेल को रीड करने के लिए क्लिक करेगा, सामने सेंड पासकोड की स्क्रीन आ जाएगी जिस पे क्लिक करने से एसएमएस उसके नंबर पे आ जाएगा जिसको फिल करते ही ईमेल रीड कर सकेगा। अब हम सीखेंगे किसी भी ईमेल को बिना इंटरनेट के कैसे सेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीमेल को गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे। इसके बाद ऊपर राइट साइड में थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे। अगर ऊपर सेटिंग का लिंक शो नहीं हो रहा तो फिर से ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे एंड क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। अब क्लियर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद गूगल क्रोम में google.com वेबसाइट ओपन करेंगे एंड सर्च में जीमेल सर्च करेंगे। सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने सेटिंग का लिंक आ जाएगा। इसके बाद ऊपर सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड देन सी आर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब हम ऊपर ऑफलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम सिंक सेटिंग में ईमेल स्टोर पे डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है हम कितने दिन पुरानी ईमेल का डाटा
ऑफलाइन स्टोर कर सकते हैं। इसके नीचे सिक्योरिटी में कीप ऑफलाइन डाटा ऑन माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब हमें जीमेल के पेज को ऑफलाइन ओपन करने के लिए इस पेज को बुकमार्क्स लगाना होगा। बुकमार्क्स लगाने के लिए ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन स्टार आइकन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे इस पेज को ऑफलाइन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम मोबाइल डाटा ऑफ कर देते हैं। अब जैसे ही google.com वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे हमारे सामने नो इंटरनेट आ जाएगा। अब हम यहाँ जीमेल को ऑफलाइन ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन बुकमार्क्स पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल बुकमार्क्स पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने वही लिंक ओपन हो जाएगा जिस पे हमने बुकमार्क्स लगाया था। अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारी ईमेल ऑफलाइन ओपन हो जाएगी। अब देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में आउटबॉक्स का नया लिंक शो होगा। जिसमें सारी ऑफलाइन सेंड की हुई ईमेल्स आएगी। तो चलिए हम इंटरनेट ऑफ करके ईमेल सेंड करते हैं। अब हम देखेंगे हमारी ऑफलाइन सेंड की हुई ईमेल आउटबॉक्स में आ जाएगी। अब दोबारा जैसे ही इंटरनेट ऑन करेंगे हमारी ईमेल सेंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। If you like my video, then please subscribe to my channel.